Let me see your broom. दूर हट के बैठो भाभी जी, दम सा घुटने लगता है तुम्हारे भारी वजूद से। ये शाम का अखबार कौन लाता है? इतनी बेहुदा औरतों की तस्वीरें हैं ना। कौन लाता है? मैं लाती हूँ खबरें पढ़ने को। पता है महंगाई कितनी हो गई है? और ये जो तुम्हारे खाना जंगी वाले अखबार है ना, इनमें तो सिवाय बड़े बड़े इश्तहारों के और कुछ भी नहीं होता। ये भाई शाम का पर्चा सही होता है, 1 रुपए में पर्चा ले लो पूरा। ये भाभी, कल के अखबार में खबर पड़ी थी? नहीं। अमेरिका में एक आदमी बच्चा पैदा करने जा रहा है, ईमान से 7वां महीना चल रहा है उसका। वैसे आजकल के मर्दों में मर्दों वाली बात नहीं रही, लोग अब बच्चे वाला काम भी यही पकड़ लेंगे, बस बच्चे तक रहे, आगे ना बढ़े। वैसे जब से तुमने फैमिली प्लानिंग में नौकरी करी है ना, तुम्हारी जुबान में बड़ी बेहूदगी आ गई है। वैसे चलो मटर छीलो। तुम कुछ छीलो, मेरे नाखूनों में बहुत तकलीफ हो रही है आज, पता नहीं क्यों दुख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो बच्चा होगा इसके वल्दियत के खाने में किसका नाम होगा? ए भाभी चुप करो, दिमाग का दही बना दिया तुमने। वैसे रणछोर लाइन रहने की जगह नहीं रही। तौबा तौबा, मैं बालकनी से झांक रही थी, किसी आदमी ने मुझे देखती सीटी बजा दी। कोई बावला होगा, मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि कोई तुम्हें देख के सीटी बजा दे। चैलेंज मत करना, ये तो मरने वाले की इज्जत कर रही हूँ, वरना कोई कमी नहीं है मुझ में। ये तो मैं ही हूँ, इस भरी जवानी बेवे की काट रही। बुढ़ी खुसट हो गई, हसत नहीं गया तुम्हें? बुढ़ी खुसट होगी तू, पता नहीं हमारे भाई को क्या नजर आया तुझमें। जरा जो निस्पानियत छू के गुजरी हो, ये कल्ले देख कैसी जंगली बला लगती है। तौबा, हाय भैया, कैसा महीन सा था बेचारा, खा गई हमारे भाई को। बड़ी मोहब्बत करता था मुझसे, मरने से पहले मकान मेरे नाम कर गया था। जानता था, अच्छी तरह जानता था कि मेरी बहनें बहुत फसादी हैं, हर रिश्ते में कीड़े निकालेंगी, ऐब निकालेंगी। फटकार देखिए अपने मुंह पे कितनी पड़ी हुई है, कोई थूकता भी नहीं है। मेरी शक्ल देखो, अभी तक मासूमियत तो है ना। आय हाय, इनकी मासूमियत देख लो, वाह वाह। अल्लाह माफ करे, कितना बहकाती थी तुम लोग इशरत को, मगर वो तुम्हारी बातों में नहीं आता था। मरने से कुछ दिन पहले दे लेने वो खलीफा की दुकान पे जा रहा था, पीछे कैसे तुम लोग चीख चीख के कह रही थी इशरत चौधरी इशरत चौधरी, क्यों ले रही थी मेरे मियाँ का नाम किसी डांस करने वाली औरत के साथ। खैर वैसे नाचने का तो भाई को शुरू से ही शौक था। ए भाभी वो याद नहीं? अल्लाह मुझे तो अभी भी वो याद आता है, कैसा अपना दुपट्टा ऐसे कमर पे कसते थे भैया, और भाई वो शुरू हो जाते थे। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। हाय अल्लाह, क्या गड़े मुर्दे उखेड़े भाभी तुमने भी। अरे गड़े मुर्दे नहीं उखेड़ू तो क्या करूं, मेरी सहेलियां जो रणछोर लाइन की है ना, सब इधर उधर हो गई। इधर उधर नहीं हुई हैं, मर मरा गई हैं। ये जो बुढ़ी और मोटी औरतें होती हैं ना, ये शू करके ऊपर जाती हैं। और तुम कब जा रही हो? अरे घास मंडी महीने का सौदा लेने। आए हैं आए हैं, रुक तो। आया आया जी मिसी, जी मिसी। जाओ जाके 5वीं जमात के काशिफ जब्बार को बुलाकर लाओ। जी जल्दी जाओ। Thank you.
कुछ खरीदना है क्या? अरे हम दिला देते हैं पर्स, कुछ नसीबी होगी मेरी। अभी लेके आया। ये पर्स आपका हुआ। मिस नहीं कर, मिस बहुत दर्द हो रहा। मिस नहीं करें, मिस नहीं करें, मिस बहुत दर्द हो रहा है। मिस नहीं करें। करोगे? मिस बहुत दर्द हो रहा है, मिस अब नहीं करेंगे। मिस छोड़ दे। पहले क्यों किया था फिर? हैं? मिस नहीं करेंगे मिस। मिस छोड़ दे। मिस छोड़ दे। मिस सब नहीं करेंगे। मिस छोड़ दे। मिस चुप कर। कमेटी के पैसे थे इसमें, यहाँ भूल कर चली गई। ये जब से मेरी सास रहने आई है ना, मेरे तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। शुक्र है कि अफीफा की नज़र नहीं पड़ी इस पर। तुम्हें तो पता है वो कितनी चोर है। पिछले दिनों मेरी कितनी कीमती घड़ी चुराई थी उसने। लाख कस्बे खा ले, कुरान क्यों ना उठा ले, मुझे पता है वो ही चोर है। और इस लड़के की ना रोने की आवाज़ें मैडम के कमरे तक जा रही हैं। चुप कराओ इसे, अगर इसकी अम्मा आ गई ना तो बहुत फसाद खड़ा कर देंगी। वो याद है तुम्हें, वो छठी क्लास का लड़का, वो लंबे बालों वाला जिसके तुमने कैंची से बाल काट दिए थे, उसकी अम्मा ने कैसा आके फसाद डाला था। पर ये तो चैनल वाले हैं ना, ये भी कुछ कम नहीं है, इतनी सी बात को इतना उछालते हैं। अरे ये बेगैरत इसी काबिल है। अच्छा किया क्या है इसने? अरे मैंने इसको जुमला लिखने को बोला था, लफ्ज नक्शो निगार का। ये देखो इसने क्या लिखा है कि करीना कपूर के नक्शो निगार बहुत खूबसूरत है, और फिगर तो पयामत है। वैसे गलत लिखा है बेटा तुमने। अब तो डाइटिंग कर करके चेहरा भी बिल्कुल पिचक गया है। मुझे तो कोई खुसरा नजर आने लगी है। नो मिस, मर जानी वाले गाने में तो शाहरुख खान के साथ बहुत अच्छी लग रही है। देखो कैसी जबान चलती है इसकी। मुर्गा बन। अरे बनता है मुर्गा के नहीं, बैठ मुर्गा बन। बड़ी बड़ी जबान चल रही है ना, अब बनाएगा वैसा जुमला। कुमार सिनेमा चलोगे गुड़िया? अंग्रेजी फिल्म का था टोटे फ्री हैं। सुनो, तुम नेपेर वाली शाहिदा की बहन हो ना? देखा, पहचान लिया मैंने तुम्हें। तुम्हारे खानदान की सारी औरतों की कमर ऐसी ही चौड़ी है। मिस माफ कर दे, मैं दब नहीं करूंगा। मैं सॉरी। मैं वैसे मिस ये जुमला हमारे चाचू ने लिखवाया था। क्या उम्र है तुम्हारे चाचू की? अच्छी खासी है। अम्मा तो कहती है शकील के बुढ़ापे में शादी करेगा। 35 के हैं मगर हैं बड़े स्मार्ट। उनकी तरह गोरे गोरे और की तरह थोड़े से मोटे थे। जाओ ऐसे, चलो सुनो इधर आओ। अब अपने चाचू को कहना कल छुट्टी के बाद आकर स्टाफ रूम में मुझसे मिले। शर्म नहीं आती बच्चों को ऐसे बेहुदा जुमले लिखवाते हुए। चलो जाए यहाँ से। अब तुम लोग हाथ आगे करो। चलो, तू क्यों पीछे खड़ा है? दूसरा हाथ आगे करो।
अरे निकल 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 भी जा, से निकल भी जा, अरे निकल, अरे निकल भी जा, निकल भी जा, उस गली से निकल भी जा, निकल। मेरी उम्र? आवाज से क्या लगता है? नहीं, 19 की तो नहीं हूं। बिला बजी झूठ नहीं बोलती मैं। 36 के? अल्लाह, 10-11 बरस बड़े हो मुझसे। शादी क्यों नहीं की? कोई मसला था? नहीं, मेरा मतलब है, हेलो, ए हेलो, हाँ हेलो, हेलो हेलो हेलो, कट गया। कट गई लाइन? और अगर उसने तुझे देख लिया तो सारी उम्र का झूठ खुल जाएगा। हम्म, जब मैं अपनी कैपरी और वो पहन के निकलती हूँ ना, तंग कमीज, इतने की लगती हूँ। और भी कौन सा हमारा कोई पैदाइशी सर्टिफिकेट देखने आ रहा है? और मैंने तो पैदाइशी सर्टिफिकेट में भी रगड़ के ना थूक से कागज़ पर अपनी पसंद की तारीख पैदाइश डाल दी है। रहा शनाख्ती कार्ड का सवाल, तो भाई नादरा वालों की मेहरबानी है, 22 की हूँ अभी तक। ये तो मेरा बड़ापन है कि मैं अपने आप को 36 की कहती हूँ। हाय, कोई तेरे सफेद झूठ पे यकीन कर ही ले। ना करे मेरी जूती से। मुझे तो अब भी अपने अंदर एक जवान लड़की की रूह भागती दौड़ती महसूस होती है। ये जिसका फोन आया था ना, मर मिटाए मेरी आवाज पे कसम से, कह रहा था बड़ी प्यारी शक्ल है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, जवान है, खूबसूरत है, मिलूंगी एक आध दिन में जाके उससे। देख अन्नू, मिलने मिलाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, अब किसी से मिलने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि उससे शादी करने के ख्वाब देखने लगे हैं। और शादी तो वैसे भी बहुत ठोंक बजा के करनी चाहिए। हाँ, कहती तो तू ठीक है, शादी वाकई में ठोक बजा कर ही करनी चाहिए। अरे पर इतना भी ठोकना बजाना नहीं चाहिए कि सारी जवानी ही गुजर जाए। हाय इफ्तिखार, याद है वो संगीता की हमने फिल्म देखी थी, मोहब्बत और महंगाई, हैदराबाद वाली शमशाद फूफो के साथ वीना सिनेमा में? याद है संगीता कैसे मुंह पे बाल डाल डाल कर गा रही थी, उमरिया बीती जाए कोई रिश्ता ना आए। हाय, मैं तो जब भी वो गाना सुनती हूँ ऐसे मेरे दिल में हौलने लगते हैं कि बस। ए, वो संगीता का मसला था, हमारा मसला नहीं है। आखिर हम में कमी किस चीज की है? ये तो है। और तू जो ये 70 की बातें लेके बैठ जाती है, 70 की फिल्मों की, मत किया कर ऐसे। पता है लोग 70 की फिल्मों का सुन के हमारी उम्रों का हिसाब लगाने लगते हैं। कोई यादवाद नहीं है हमें 70 की फिल्में, ना हमने देखी हैं कभी, समझी? मत कहियो अब तू, बड़ा मनहूस लगता है 70 का दौर मुझे। हाँ, मत कहियो अब। ठीक है, अब नहीं करूंगी। हेलो हेलो, हाँ पागल। ऑफिस के बाद 5 बजे है। ओके ओके। हाय अल्लाह, हाय मैं लुट गई। क्या भाभी, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? तुम्हारी फूफी बिलकिस का इंतकाल तो नहीं हो गया जो 1 साल से अस्पताल में पड़ी है? अरे अरे, ये देखो जरा, ये देखो तो सही। हाय अल्लाह, कितने अच्छे शेड हैं। हाय अल्लाह, कितने प्यारे शेड हैं। अल्लाह, कितने दिन से मैं ये शेड ढूंढ रही थी। कैसा लग रहा है? हल्का है जरा, मैं लगाऊंगी तो अच्छी लगूंगी। ए भाभी, तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया है? ये सब चीजें नाहिद के खाने में से निकली। कितना मना किया था तुम्हारी माँ को,
ना रखे मेरे बच्चे का नाम नाहिद, मगर मेरी उसने एक नहीं सुनी, जिद्दी थी ना एक नंबर की। मुझे सब पता चल गया, ये सब नामों की उठापटक है और नहुसत है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी मर्द का नाम नाहिद नहीं सुना। आई एक बहुत बड़ी सियासी जमात के उम्मीदवार का नाम था नाहिद। आई पता है इफ्तिखार, वो जो अपनी मुनिया खाला है पापोश वाली, उनके बराबर वाले घर में रहता था। ए भाभी, तुम्हारा पूरा खानदान जाहिल है और तुम उनकी सरगना हो। नामों से क्या होता है? अब जाके मैं समझी हूँ, सब किया धरा नामों का होता है। अब तुम देखो ना, तुम्हारा नाम इफ्तिखार है, उसका नाम अनवर है। कितने भारी नाम है, शादियां भी नहीं हुई तुम लोगों की, औरतें होते हुए भी मर्दों के लिए मर्द बन गई हो। देखना थोड़े दिनों के बाद तुम दोनों की मूछें दाढ़ी निकलेंगी। अरे अल्लाह, बेड़ा गर्क करे तुम लोगों का, मेरे बेटे को जनखा बना दिया। लो ये क्या बात हुई, उनका नाम नाहिद रख दिया तो वो छक्का हो गए। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, उसकी चाल भी बड़ी अजीब सी हो गई है। अरे रहने दो भाभी, आई इफ्तिखार याद है, नाहिद जब छोटा था मैंने उसको सुर्ख गोटे वाली फराक पहनाई थी और उसके सुर्खी पाउडर भी लगाया था, बिल्कुल गोल पटोल लड़की लग रहा था। अम्मा ने तो याद है देखती कैसे चटा चट उसकी बलाई ली थी। तुम लोगों ने मेरे बेटे को जनखा बनाया, तुम लोगों ने। अल्लाह मेरे पे इंसाफ करना, बस खुदा तुम लोगों को पूछे, मैं कुछ नहीं कह सकती, सब में तुम लोगों का किया दर है। तुम्हें बताओ भला, सारा इल्जाम हम पे। निकल भी जा, निकल भी जा, पतली गली से निकल भी जा, निकल भी जा, निकल भी जा, पतली गली। ये तुम्हारी हैप्पी बर्थडे के लिए। वो इसमें क्या है? वो अम्मा का बुरका है। अल्लाह नाहिद, तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा ना, मजाक कर रहे हो। इतना महंगा तोहफा, 600 रुपए का तो होगा ये। से भी ऊपर का है। इतना महंगा तोहफा, तुम मुझे एक वैलेंटाइन का कार्ड ही दे देते। अब इतना भी फकीर नहीं हूं, क्या कोने खुदरों में मिलती हो? बाहर मिलते हैं ना, पता है कायदे आजम के मजार पे हमारे जैसे बहुत सारे जोड़े आते हैं। अच्छा सुनो, वो क्या नाम है उसका? हाँ, वैलेंटाइन आने वाला है। यकुम मई को? अरे बुद्धू, वो तो मजदूरों का दिन होता है, वैलेंटाइन तो फरवरी में होता है, बस कुछ दिनों में आने ही वाला है। वो वैलेंटाइन, आशिकों वाला दिन, याद है वो पिछले साल मैंने तुम्हें लाल फूल और गुलदस्ता और सुर्ख सैंडल भी दी थी। हाँ हाँ, मगर तुम इस बार मुझे कुछ भी मत देना, मुझे बुरा लगता है मैं तुमसे इतने सारे तोहफे घसीटती हूँ। मैं तो ज़रूर दूंगा, वैसे भी तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है ना। अच्छा अगर ये बात है तो फिर मैं इनकार नहीं करूँगी। अच्छा तुम जाओ, भाई बॉडी बिल्डिंग के क्लब से आता ही होगा, जाओ ना। अच्छा सुनो, वो वैलेंटाइन पे अगर तोहफा देना ही है तो हल्की फुल्की सी सोने की रिंगी दे देना, तुम्हारी निशानी समझकर तुम्हारे हाथ में पहनूंगी। आई लव यू। आई लव यू टू। ए, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? लिपस्टिक ढूंढ रहे हो या अपने मस्कारों का डिब्बा? मैं क्यों ढूंढूंगा अम्मा? ये बताओ आजकल किन लोगों में उठ बैठ रहे हो तुम? तबलीग जमात वालों के साथ अम्मा,
मस्जिद में। झूठ मत बोलो। नहीं अम्मा, ईमान से मुझे अभी याद है कि मैं ये मस्कारे वाली किट तो तुम्हारे लिए लेकर आया था। याद भी है तुम्हें तुम्हारी और अब्बा की शादी किस तारीख को हुई थी? मुझे नहीं पता। 16 जनवरी, 16 जनवरी के दिन तो हुई थी तुम्हारी और अब्बा की शादी। मुझे तो इतना याद है, बस सड़ी हुई गर्मी पड़ रही थी। गर्मी? एक आध हफ्ता तो पड़ ही जाता है ना गर्मियों का सर्दियों के दिनों में। शायद। अम्मा ये मस्कारे वाला डिब्बा तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था तुम्हारी शादी की सालगिरह पे। मुझे तो पता था मेरी फुप्पियों का क्या खाकियात होगा, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ अम्मा, जिंदा हूँ मैं अभी। मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोल सकता और ये आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती, मगर जाने क्यों बड़े बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे कि तुम लाल रंग का घघरा चोली पहनकर चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है रक्स कर रहे होंगे। नहीं अम्मा, मैं डांस करता हूँ लेकिन इस तरह के गानों को नहीं। बड़ा बदमाश है तू। अच्छा क्या हो गया, बड़ा हवनक सा हुआ है बच्चा। वैसे दौरानी के वक्फे को बढ़ाना इतना मुश्किल भी नहीं। कितना खूबसूरत है आपका अंदाज, मैं तो आपकी प्यारी प्यारी बातों में खो सा गया हूं। प्यारी प्यारी बातें? मैं तो आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में बता रही थी। लेकिन मुझे तो बड़ा लुत्फ आया, माशाल्लाह से बड़ी बेबाक है आप। बास बातों पर तो मुझे बड़ी शर्म सी आ रही थी। पता है हमें ऐसी बातें करने की इजाजत नहीं है यहाँ पर, और आइंदा आप यहाँ आए ना तो अपनी बीवी को लेकर आइएगा। मतलब मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मेरा एक दोस्त है, वो ऐसी बातों में बड़ा एंजॉय करता है, उसे भेजूं? इतनी पक्की उम्र में तेरी अभी तक शादी नहीं हुई? खबीस, तुझे फैमिली प्लानिंग की जगह ना किसी हकीम के यहाँ जाना चाहिए। चल यहाँ से निकल, चल निकल यहाँ से, निकल रहेगा नहीं, खबरदार। मनहूस। आ जाऊं क्या? आइए। मैं उठाता हूं, उठाता हूं। वैसे तो बचपन से मैं भी निगार अखबार पढ़ रहा हूं। ये जो फिल्मी हीरोइन है ना, इनकी शादी का मुझे बड़ा मामला खराब लगता है। अब बताओ, पैसे हम खर्च करें, टिकट लेके फिल्म देखने हम जाएं, और मजे कोई और उठाए। शकील। अनवर। शकील, शकील, माइसेल्फ शकील। वैसे आपने सोचा भी कैसे कि मेरा नाम अनवर है? अनवर नाम से मुझे नफरत है। नहीं, मेरा नाम है अनवर, अनवर जहरा। नहीं, आपको गलतफहमी हुई होगी, आपका नाम जो है वो होगा जहरा,
अनवर है ना। वैसे तो मेरी अम्मा का नाम भी मुख्तार है, मेरे अब्बा दिल्ली गए हैं ना, उनको मुख्तियार कहते हैं, मुख्तार तो हमारे दूध वाले का भी नाम है। जब मुझे गुस्सा आता है और मैं उस पर चीखता चिल्लाता हूँ, उसको डांटता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ के साथ बदतमीजी कर रहा हूँ। वैसे मैं खूबसूरत लड़कियों के मर्दाना नाम रखने के बेहद खिलाफ हूँ। आप काशिफ जब्बार के चचा हैं? नहीं, मैं उसका वालिद हूँ। मैं आपको 10-11 साल के बच्चे का बाप लगता हूँ? भाई जाहिर है उसका मामू होऊंगा या चाचा होऊंगा। आपको पता है काशिफ ने लफ्ज नक्शो निगार का बहुत घटिया जुमला लिखा है। क्या लिखा? उसने लिखा है कि करीना कपूर के नक्शो निगार बहुत खूबसूरत हैं और फिगर तो और भी कयामत है। ऊपर से वो कहता है कि ये जुमला आपने उसे लिखवाया है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये जुमला कैसे लिखवा सकता, मैं तो नहायत मुहिब वतन आदमी हूँ। अब देखिए ना, मुझे बाहर की हीरोइनों से क्या लेना देना, मुझे तो वो बुरी लगती हैं, मुझे तो अपने मुल्क की हीरोइनें अच्छी लगती हैं। हालांकि सारी 40 के लपेटे में, और वो जो सबसे ज़्यादा मशहूर वाली है ना, वो तो 50 के लपेटे में होगी, लेकिन फिर भी हमारी वफादारी अपनी जगह है भाई, हम इन्हीं को पसंद करते हैं। अपने मुल्क की लड़कियों की तो बात ही अलग है। देखें, बच्चों को ऐसी फिगर वगैरह की बेहुदा बातें नहीं करनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, मेरे दोस्त भी सारे मुझे कहते हैं, ए शकू, तेरा फिगर बड़ा डैशिंग है, तू बड़ा सेक्सी है। सॉरी। वैसे अब अगर काशिफ को उल्टी सीधी बात लिखे तो आप मुझे बता दीजिएगा, बस मरम्मत कर डालूंगा साले की। मगर मैं आपको कैसे बताऊंगी, अगर मैंने काशिफ से कुछ कहा तो हो सकता है कि वो आपको बताए ही नहीं। वैसे इसका एक और आसान तरीका है सलीम अनवर, मेरा मतलब है मिस अनवर जहरा। हम दोनों के पास एक दूसरे के नंबर होने चाहिए। देखिए, वैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आजकल के उस्ताद बच्चों की तालीम और तरबियत पर इतनी तवज्जो देते हैं। अगर आपके मेरे नंबर एक दूसरे के पास होंगे तो हम कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा अनवर? माफ करना, मैं पहली मुलाकात में ही आपको तुम कह गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको अपने नंबर दे देती हूँ। ये लीजिए। मगर मेरे पास तो आपका नंबर है ही नहीं। मैं आपको अभी अपने मोबाइल से मिस कॉल दे देता हूँ ना, अभी इतना अकलमंद हूँ मैं। वैसे एक बात बताइए, ये जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी टीचर्स ऐसी ही होती हैं, इतना ही बन संवर के आती हैं, आप ही की तरह खूबसूरत। मैं जितने गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाऊँ ना, उनकी टीचर्स की शक्ल तो अजीब मर्दाना सी होती थी भाई, यहाँ तक कि हमारी जो साइंस की टीचर थी उनकी शक्ल मेरे खालू से मिलती थी। बताइए वाला। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, रात को आपको कॉल करूँगा, 2-3 पहले दे दूँगा आपको, आप अपनी सहूलत के हिसाब से कॉल बैक कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम। ओ बेसुरी, क्या बात है, किसी से मिलने जा रही है? मिल के आ रही हूँ। हाय कसम से इफ्तिखार, बड़ा ही जालिम है, आज जब वो स्टाफ रूम में दाखिल हुआ ना, मेरी तो सांस ऊपर नीचे होकर रह गई, बिल्कुल जैसे पुरानी फिल्मों में निशो की होती थी ना। हाँ हाँ ऐसे। नहीं खैर, अब ऐसे बेहुदा तरीके से भी नहीं हुई थी। नाम क्या है? शकील। हाय अल्लाह, शकील नाम इतना पसंद है मुझे। ये जो शकील नाम के मर्द होते हैं ना, पूरी मर्दाना वजाहत के पैकर होते हैं, इतने अच्छे लगते हैं मुझे। उम्र क्या बताई? होगी कोई 35-38 की, मगर है कुंवारा। यानी ब्रांड न्यू माल। मैं भी जा रही हूँ उससे मिलने कल।
वो भी अपनी उम्र इतनी बता रहा था। इसका मतलब है 36-38 के बीच का अच्छा माल आया हुआ है मार्केट में। मैं भी जाती हूँ। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। हाय, अच्छा है, बुरा नहीं है, मगर 36 का नहीं लग रहा, 44-45 का लग रहा होगा। ए, उधर होके खांसो, टीबी कराओगे क्या मुझे? पागल, तुम इफ्तिखार हो है ना? ए, देखा कैसा पहचाना मैंने, मैं बकौल्ला हूँ बकौल्ला। वो तो टाइफाइड हो गया था, जरा कमजोर हो गया हूँ, 1.5-2 महीने में ठीक हो जाऊंगा। बड़ी अच्छी लग रही हो गोलगप्पा सी। तो तुम 36 के हो हैं? जब तुम 26 की हो सकती हो तो मैं 36 का नहीं हो सकता। छोड़ो इन बातों को, मुझे भरी भरी औरतें बड़ी अच्छी लगती हैं। और मुझे तुम जैसे बुढ़े खूसट मर्दों से नफरत है, समझे? देखो देखो देखो, तुम खुद बुढ़ापे की सरहद पर खड़ी हो माई। ए, माई किसको कहा है तुमने है? अरे तुझे कहा है और किसको कहा है? किसी नीच इलाके की पैदावार लगती है तू। ए रणछोड़ लाइन को कुछ मत कहना, समझे? चल हट, पीछा छोड़ मेरा, दफा दूर हो। ए, दफा तू, वो शक्ल देख अपनी, उबला हुआ अंडा। हाय हाय, कैसे हाथ नचा नचा के झक्की औरतों की तरह लड़े, मुझे तो तेरे अंदर कोई हर्राफा लगती है। चल यहाँ से भाग बुड्ढे खुसेट। राफा खबरदार की कुछ का। अरे जा यहाँ से, समझे? क्या करी, धक्का ही दे दिया। अरे शकल, तू देख शकल अपनी, उबलाऊ अंडा जैसे। अरे जा, कैसे हाथ नचा नचा के झक्की औरतों की तरह लड़ रहा है, तेरे अंदर तो कुत्तामा भरी हुई है। चल यहाँ से, हाथ दबा, औरत शकल देख अपनी, औरत बढ़िया है, औरत। अरे जा। नहीं समझता क्या अपने आप को? अरे कहाँ जा रही हो इतनी गर्मी में पैदल? रिक्शा में जाऊंगी, टैक्सी में जाऊंगी। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। रणछोड़ लाइन जा रही हो? जाहिर है रणछोड़ लाइन में रहती हूँ तो रणछोड़ लाइन जाऊंगी, नेपेर रोड थोड़ी जाना है मुझे। गरम मसाला हो मेरी जान, आ जाओ, आओ, आओ, आ जाओ। तो गुस्से में कितनी अच्छी लग रही हो। मिलाई, कैसा था लड़का?
वो लड़का उम्र ज़्यादा थी ज़रा उसकी वैसे, लेकिन भाई बहुत अमीर है, पूरा 400 गज का बंगला है गुलिस्तान जौहर में उसका। स्कूटर पे आया था? पागल, इतने बड़े बंगले में रहने वाला स्कूटर पर आएगा? ये तेरा वो घास मंडी वाला शकील नहीं है जो मांगे तांगे की फटपटी पर चला आता है? तू तो बिल्कुल सठी आ गई है, मजाक कर रही थी। क्या है जो स्कूटर वाला है, कल उसके पास गाड़ी भी आ सकती है? मैं तो शक्ल पे मरती हूँ। अच्छा ना भैया, मैं तो पैसे पे मरती हूँ। सुने क्या है? मैं रंडवा हूँ। तो मैं बेवा हूँ। सोल्जर बाजार में मेरा चलती भी दुकान है, मेरा नवासा वहाँ बैठता है और मैं अय्याशी करता हूँ। उसका बाप मैं मर चुका है। तो मैं क्या करूँ? तुम फिक्र मत करो, मेरी दुकान कहाँ जाया करो, ईमान से तुम्हारे लिए रियायत कर दूंगा। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा हुआ कि मैं रणछोड़ रणछोड़ के सोल्जर बाजार से जाके सौदा ले आऊं? मनहूस मारा, अपनी शक्ल तो सही कर लो, लड़कियों को छेड़ते हो, अपना मुंह तो सीधा करो। जा जाओ बुढ़िया। अब नहीं मिलूंगी इससे, नहीं मिलूंगी। इसके करीब से उठती हुई बुढ़ापे की बू उफ मेरे दिमाग को सड़ा देगी। नहीं उठाऊंगी फोन बुढ़े चाचा, नहीं उठाऊंगी फोन। हेलो, पांच बजे के बाद मेरे ऑफिस के बाहर आ जाना। नहीं, कुछ खाने का मूड नहीं है मेरा। अच्छा ठीक है, खिला देना। हाय, कौन खाए गंदी गंदी वैगनों और कोचों के धक्के। नहीं नहीं, तड़पूंगी रातों को उठ के, जहर जवानी का यूं ही पीऊंगी, कुछ ना कहूंगी, मैं चुप रहूंगी, मैं चुप रहूंगी। क्या है, क्या बात है, चलो जाओ। स्टाफ रूम में ना सिर्फ बातों की आवाज आती है। आया बता रही थी कि बातों के बाद खामोशी हो जाती है। खामोशी का मतलब तो समझती हो ना तुम लोग? इसे जो मिस अनवर है ना, इनके घर का बड़ा अजीब माहौल है। इसकी जो बड़ी बहन है वो फैमिली प्लानिंग में काम करती है। अरे मेरी नंद बता रही थी, बड़ी खुली खुली बातें करती है वो। मेरा ख्याल है कि हमें मैडम से शिकायत करनी चाहिए, आखिर स्टाफ रूम का तकद्दस भी कोई चीज़ है।
वो ड्रामों का मैार देखा है आजकल तुमने? कहाँ जा रहे हैं? वो एक चैनल है ना, वो जिसमें धोबियों का ड्रामा आ रहा है, आज देख रही हो? माहौल तो धोबियों का दिखा रहे हैं, और वो एक उनकी हीरोइन है, वो क्या है, वो चुईया सी जो खूब बन सवर के और अपने सिल्की सिल्की बाल लहरा के जो वो हीरोइनों की तरह भटकती है। तोबा तोबा, ऐसा लगता है किसी एक्टर की औलाद हो। पुराने ज़माने के ड्रामों की क्या बात थी, खुदा की बस्ती, अनकही, एक मोहब्बत सौ अफसाने, कितने अच्छे ड्रामे होते थे। क्या बात है, बड़ी चुप चुप हो मिस अनवर, इश्क तो नहीं हो गया कहीं किसी से? मुझे देर तक मौसम क्यों बदल दिया तुम लोगों ने, हैं? अरे मैं काशिफ जब्बार की पढ़ाई के सिलसिले में उसके चचा से मिलती हूँ, कितनी गंदी जहनियत है तुम लोगों की। बच्चे के माँ बाप मर गए हैं क्या जो चचा को बुलाया जा रहा है, वो भी छुट्टी के बाद? अरे नहीं नहीं, वो तो दोनों जिंदा है। अरे हमारे घर से तीन घर छोड़ के तो घर है उनका। जो काशिफ का चचा है ना, ये बड़ा ही रंगीन मिजाज है, वो लड़कियों को फांसता है। अरे लड़कियों को नहीं बल्कि औरतों को भी। अरे देखा कैसा बघार लगा मुटल्लो को, भाग गई। हेलो, हाँ शकील, सुनो वो तुम स्कूल मत आना। अच्छा नहीं, यहाँ मेरे खिलाफ़ बड़ी साजिशें हो रही हैं, टीचर बड़ी बातें कर रही हैं, सब किया धरा उस आया का है। अरे सुन तो सही मेरी बात, ऐसा करते हैं वो जो घंटा घर के सामने है ना, ईरानी होटल, आ वहाँ मिलते हैं। अरे सस्ता सा होटल है, खाना भी खाएंगे, तेरी जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है। ओए खाओ ना, दादी कर रही हो, मोटी डबल रोटी। मुझे परेशानी में ना भूख नहीं लगती है, तो डर है कहीं मेरा ट्रांसफर ना हो जाए। तो कम बहुत ये स्कूल की टीचरें हैं ना, बड़ी मनहूस होती हैं उनकी पट्टियाँ। मैं सोचती हूँ अब हम मिलेंगे कहाँ? वो गार्डन में मेरे दोस्त का फ्लैट है ना, वहीं में मिलेंगे। नहीं नहीं, मैं किसी के फ्लैट पे नहीं मिल रही। पैसा बचाएंगे ना, सिगरेट लेता आइए मेरे लिए। सही है ना, ईरानी होटल में मिल जाएगा, परेशान नहीं हो रहे ना? वो ना ईद मिलन पार्टी है कॉलेज में, और मेरे पास तो कोई ज्वेलरी ही नहीं है पहनने को। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी अम्मा के पास सोने का जेवर तो है ना, वो ला दो, पहन के वापस कर दूंगी। इतना प्यारा जोड़ा सिलवाया है मैंने, जान आ जाएगी उसमें। करता हूँ कुछ? हमें तो कुछ नहीं पता, आप ही ला कर देंगे। और हाँ, पहन के वापस कर दूंगी, रखूंगी नहीं। कल ला दो। पक्का? तुम कितने अच्छे हो। अच्छा जाओ ना। अच्छा सुनो, we'll be right back.
सुनो, तुम्हारी नौकरी का क्या बना? अरे हो गई मेरी जान, समझो हो गई, दो तीन जगह से है बस। लेकिन पता है क्या जानी, मैं सोचता हूँ कि देखो ये जान मान मुझे मत कहा करो, बड़ा बाजारी लगता है। एक तो तुम उस्तानियों का ये बड़ा मसला है, तुम्हें खाविंद नहीं चाहिए, तुम्हें शागिर चाहिए होता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कह दो। पागल कह दूँ? पागल औरत। अबे क्या होगा, नाराज नहीं हुआ कर, ऐसी मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा सुन, एक काम तो कर, एक 500 रुपये का नोट तो दे दे, परसों तक दे दूंगा तुझे वापस। अल्लाह कसम भाई, महीने के आखिर में बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। ये लो, वैसे भी तुम खुद ही कह रहे हो कि परसों तक तो लौटा दोगे। अरे दे दूंगा मेरी जान, दे दूंगा। आवाजों में चिल्ला रही हो भाभी, क्या हुआ? मेरे सोने के कंगन गायब है, मेरी मरहूमा माँ की आखिरी निशानी थी। हैं? आखिरी निशानी तो तुम हो? हाँ, ये मैंने अपने नाहिद के लिए बड़े सेत सेत के रखे हुए थे। हो ना हो, ये अन्नू की कारस्तानी है, बड़े पैसे खर्च कर रही है आजकल। अन्नू तो ऐसी नहीं है, मुझे तो तुम पर शक है। चुप कर, बकवास बंद कर, ऐसी तोहमतें लगा रही है, पता है कैसा अजाब पड़ेगा तोहमतें लगाने वालों पर। चल मेरे साथ पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं। थाना कचहरी में करने वाली नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ, कंगन से ज्यादा पैसे मैं पुलिस वालों को दे आऊँ। हाय मेरे यतीम बच्चे की दुल्हन के कड़े, हाय मेरे कड़े, मौत आ जाए लोगों को, मरते भी नहीं है मनहूस, कड़े चुरा के बोलते नहीं, कैसे सुकून की नींद सोते बेगैरत कहीं के, ये अल्लाह मेरे कड़े कहाँ से मिलेंगे। हाय अल्लाह, कितने हसीन है ये। वो अम्मा ने अपनी होने वाली बहू के लिए रखे थे। फिर तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं ये, है ना? मैं तो वापस नहीं करूंगी अब। तुमसे मांग कौन रहा है? हाय नाहे, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, और मेरी जो सहेलियां हैं ना, वो फरजाना और रिहाना, उनके बॉयफ्रेंड तो इतने कंजूस हैं, टका खर्च नहीं करते उनके ऊपर। ऐसी तो मैं तुम्हें अपना जानू नहीं कहती ना, सब जाओ ना। आज तो बड़ी प्यारी लग रही है, ये ले, ये देख, ये ले, अब पूरे आधा किलो का डब्बा गुलाब जामुन का, तेरे लिए लाया हूँ, कत्थई वाली है। ये किस खुशी में? मेरी बात पक्की हो गई शकील? अबे क्या हो गया, एक तो तू उदास होती है, तेरा मुंह 2 किलो का हो जाता है। चल बैठ इधर, इधर बैठ। अरे नौकरी मिली है तो नहीं करूं क्या? हैं? हाय अल्लाह, मैं तो मेरी जान निकाल दी थी। अच्छा फिर तुम्हारी नौकरी मिलने की खुशी में जोरदार खाना मेरी तरफ से। हाँ शकील, अब तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, अब अपने भाई भाभी को भेजो ना मेरे घर। यार वो जो हमारी भाभी है ना, उनको बच्चा होने वाला है, 2 महीने रह गए, वो जैसे ही फारिग होती है अपने काम से फिर लेके आता हूँ तेरे। फिर ऐसा करो, तुम एक आध दिन में ना मेरे घर जरा चक्कर लगा लो, मैं चाहती हूँ कि अब तुम भाभी और इफ्तिखार से मिल लो, ताकि फिर होटलों वोटलों का चक्कर ख़त्म हो। कसम से ये होटलों के बिल मेरी जेब पे बहुत भारी पड़ते। अरे मेरी जान फिक्र क्यों करती है, अरे अगले महीने से होटलों के सारे बिल बस समझ ले मेरे जिम्मे, ठीक है? अच्छा सुन, एक बात बता, तोहफा क्या दे रही हूँ मैं नौकरी मिलने की खुशी में, हैं?
मैं तुम्हें एक अच्छी सी घड़ी तोहफे में दूंगी, ठीक है? तुम दफ्तर पहन के जाया करना। अबे यार घड़ियां वड़ियां बहुत है हमारे पास, चेक कर ऐसा आइटम है कहीं देखा? अरे दिलाना तो कोई कपड़े शपड़े दिला दे यार। कपड़े? हाँ ना, क्या हो गया? ठीक है ना। तूने बताया ही नहीं, शकील जब अंदर दाखिल हुए ना, और मैं तो देख के दंग रह गई। नसीब जी आमिर खान आ गया। इतने मिलते हैं दोनों। फिर मैंने सोचा आमिर खान तो इतना सा है, गिट्टा सा, ये तो लहीम शहीम। तूने बताया नहीं कितनी मुशाबहत है दोनों में। आमिर खान तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बस। तो वहाँ मुंह पे बाहर क्यों पड़ रहा है? तुम सेब खाओ। हाँ तो खा रहा हूँ ना, ला सेब खिला। वाह वाह अन्नु, तेरा इंतखाब बहुत जोरदार है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं क्या है, साली और बहनोई के बीच का लाड़ दू होता है ऐसा। सुन, ये सिर्फ सेब खिलाने में क्यों इत्तेफाक कर रही है? जा चढ़ जा, चढ़ जा उस गोद में बैठ जा। है बेगैरत कहीं की? अरे सही कहते हैं लोग तेरे बारे में कि तू खानदानी मंसूबाबंदी के दफ्तर बैठ के गंदी गंदी बकवासें करती है, रहनी अय्याशी करती है। नहीं, मेरे दिल में तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, पता नहीं क्यों सोच के गई ऐसी। हाँ कोई नहीं है ना, स्कूल की उस्तानियाँ होती हैं ना, ये बच्चों को पढ़ा पढ़ा के नफसियाती हो जाती हैं। है ना, सही कह रहे हो, नफसियाती हो गई है ये। ए, सुना, ये बाहर से आई है, साथ में छाने कुछ खाने को लाई है, अब देखना जरूरी क्या है। यकीनन कोई बहुत अच्छी चीज़ लाई होगी, मैं लेकर आती हूँ। सुनो, तुम उसे ये मत बताना कि मैंने तुमसे तुम्हारा मोबाइल नंबर मांगा है। क्या पगली हो गई है? नहीं बताऊंगा, चल जाना। अब आ ही गए हो तो एक कप चाय पी लो अंदर चल के। वैसे मैं ऐसे किसी को अपने घर लाती नहीं हूँ। मत डला, मैं एक प्याली नहीं तीन प्यालियाँ चाय पीता हूँ और साथ में कुछ खाता भी हूँ। सुना है रणछोड़ लाइन के काठियावाड़ी छोले बड़े गजब के होते हैं। शक्ल ही से नदीदे लग रहे हो। चलो ये क्या बीच गली में गाड़ी खड़ा कर दिया? अरे आने जाने वालों को तकलीफ नहीं होगी? चल भाई काम कर अपना, चल। ए बुड्ढे संभाल के चल, तेरा मोच ना जाए। अबे बुड्ढा होगा तू, तेरा बाप बुड्ढा तब गया, बुड्ढा तब गया, बुड्ढा तब गया, हां बुड्ढा तब गया। क्या इजुड़ा की तरह तालियां बजा रहा है? तब गया तब गया तब गया तब गया बुड्ढा तब गया बुड्ढा बुड्ढा तब गया। वैसे ये रणछोड़ लाइन वाले होते बड़े पंगेबाज,
तुम्हें कैसे पता? मैं खुद निचोड़ लाइन से गया हूँ गुलिस्तान जौहर। जब ही तुम्हारा मैलापन नहीं गया। मार्टला। चलो। तुम्हारी पसंद के गाने भरे हैं मैंने इसमें। हाँ। पसंद के सारे भरे हैं ना गाने। हाँ। क्या गजब के समोसे हैं। आलू के साथ मटर के दाने, जायका बढ़ गया है। बाजार के तो नहीं लगते। जी मैंने बनाए। फिर तो आपके हाथ चूम लेने चाहिए। लाइएगा। हाँ। क्या बात। वाह वाह। चाय ले लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। हटो परे जरा, हटो ना, हटे जरा, मुझे भी बैठने दो इनके पास। आप इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार की बहन लगती हैं। नहीं मैं इनकी नौजवान बेवा भाभी हूँ। गांवों ने मेरा ये हशर कर रखा, वरना मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। रोने मत, आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। कोई फर्क ही नहीं है, तुम दोनों हम उम्र लगती हो। आपने बिल्कुल सही समझा। समोसे लीजिए ना आप, इतना कम खाते हैं आप, जब ही तो इतने मरगिल्ले से हो रहे हैं। आपकी गाड़ी बहुत खूबसूरत है। ये आपकी मुंह पे समोसे का टुकड़ा गिर गया। एक दफा फिर साफ कीजिएगा। इफ्तिखार, ये बकाउल्ला साहब है ना? हाँ हाँ बतलाओ ना, ये वही बकाउल्ला साहब है जिनसे तुम्हारी टेलीफोन पे ना सेटिंग चल रही है। इनके आने से ना हमारा पूरा मोहल्ला ना इनको ताड़ रहा है, क्योंकि ऐसी गाड़ी हमारे मोहल्ले में कभी भी नहीं आई। अल्लाह, बैठने की तो कहीं जगह ही नहीं है, मैं कहाँ बैठूँ? अरे आप आइए, यहाँ बैठिए, मैं जगह बना देता हूँ। जगह हम बनाएंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो। पढ़ती हो? हाय, मैं आपको इतनी छोटी लगती हूँ? खैर, मुझे अक्सर लोग छोटा ही समझते हैं। इफ्तिखार ही ने बताओ ना, वो तुम्हारी शमीम गवर्नमेंट स्कूल वाली जो पुरानी सहेली थी, वो तो मुझे इफ्तिखार की छोटी बेटी समझी थी। बकाउल्ला साहब, मुझे ना आपसे एक डर लग रहा है, ये ना हो आज आप जाएं तो फिर कभी भी ना आए। मैं ना जुमेरात को ना कोरमा बना रही हूँ, तो आप ऐसा कीजिएगा, तिल वाले नान ले आइएगा महफूज शीरमाल वाले से, अपन दोनों मिलके बैठ के खाएंगे। मेरा मतलब है इकट्ठे मिलके सब खाएंगे। इंशाल्लाह जरूर मैं आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा। आपके हाथ किस कदर खूबसूरत है। आपको भी सारी पार्टियाँ पसंद आ गई। आइए बकाना साहब, आपको मैं गाड़ी तक छोड़ा। मैं भी बालकनी से जाके ना झांकूंगी इनकी गाड़ी को, बहुत प्यारी गाड़ी है इनकी। टेलीफोन को दे रहा। टेप क्यों बंद कर दिया? अन्नू, तूने और भाभी ने कल कितनी गंदी हरकतें की हैं बकाउल्ला के सामने।
कसम से बहुत छिचोरे हो गए थे तुम दोनों। क्या सोचेगा बकाउल्ला, कैसे कंजर मिरासी लोग बसते हैं ये। और तूने जो शकील के सामने किया था वो क्या था? हाँ इन्नू, तेरे तो जहनियत इतनी गंदी है, जब भी सोचेगी गंदा ही सोचेगी तू। और वैसे भी मैंने तो बकाउल्ला से शादी करनी है। मुझे भी शकील से शादी करनी है। मुझे भी शकील से शादी करनी है। तो शकील ने कर ली तुझसे शादी? अरे उसे तो चस्का लग गया है औरतों का। हाँ उसे पता है ना कितना खूबसूरत है वो। वो तो ऐसा केश कराएगा, देखना अपने आप को। देख अन्नू, एक बहुत गंदी मिसाल दे रही हूँ, दिल पे मत लीजो। देख अन्नू, हमें तुम्हें ना शादी के लिए बकाउल्ला जैसे टूटे फूटे मर्दी मिलेंगे। हाँ अलबत्ता शादी के बाद मुँह का जायका बदलने के लिए, समझ रही है ना। अरे आजकल तो सारे चैनल पे ड्रामे ही ऐसे आ रहे हैं। वो चैनल है ना, उस पे सारे ड्रामे ऐसे आते हैं, या तो किसी का मियाँ आपे से बाहर या किसी की बीवी आपे से बाहर। तू तो मेरी जान, बस ऐश करने की सोच, समझी? शाबाश ऐश करने की। ये मूंगफली के साथ चाय बड़े मजे की लगती है। भाजो ना, कपड़े वपड़े धुलाने का इरादा नहीं है? बस कल तक चल लेते, ठीक है? एक काम करो, तो मुझे 5,000 रुपये ना उधार दे दो, मैं खुद ही ले लूँगा ना कपड़े। नौकरी तो लग गई है, पहले तनख्वाह पे हिसाब चुकता। बोलो। चलो खाओ ना। अरे क्या कर रही हो, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा, महंगे हैं बहुत, थोड़ा थोड़ा खाएंगे ज़्यादा देर चलेंगे। स्टार्ट ही नहीं हो रही साली। अल्लाह तुम्हें बहुत अल्लाह याद आ रहा है। अरे तुम लोगों का क्या है, यहाँ से सीधी वैगन पकड़ोगी घर पहुँच जाओगी। हमसे पूछो ना, इस लाश को घसीट के लेके जाना पड़ेगा पता नहीं कहाँ, मैकेनिक मिलेगा भी नहीं मिलेगा इतनी रात को। बात सुनो, एक काम करो, ये सामने स्टॉप है ना, यहाँ से सीधी वैगन पकड़ो, सदर ले जाएगी कोई ना कोई वैगन, तो तुम्हें वहाँ से X17 पकड़ना, सीधा रन छोड़ लाइन। फोन कर लेना। अच्छा फूटी गाड़ी है नहीं, फोन कर लेना। अच्छा सुनो एक काम करो, वो ज्यादा ज्यादा 50-100 रुपए का इजी लोड तो करा दो, है ना। जाओ जाओ सब। आ रही हूँ, क्या दरवाजा तोड़ने का इरादा है? वाह वाह वाह, क्या बात है, बगैर दुपट्टे के तुम कितनी अच्छी लगती हो। रहने दो रहने दो। इफ्तिखार अभी तक ऑफिस से लौटी नहीं है। अच्छी बात है। वैसे मुझे बड़े बड़े जिस्म की औरतें अच्छी लगती हैं, और तुम इन सबसे ज्यादा बड़े बड़े जिस्म वाली। क्या हुस्न है, क्या मासूमियत है,
ऐसा खूबसूरत चेहरा है, ये तो माई वाले उलियों में क्यों रहती है? बेवा तो क्या हुआ, मलका नूर जहां भी बेवा थी, जहांगीर बादशाह को कैसे फांसा था उसे? उसे बेवा भी तो जहांगीर ने बनाया था ना। कुछ चेहरों में जासबियत होती, खींचती अपनी तरफ। तुम्हारा चेहरा भी उन चेहरों में से एक है। कशिश सकल है, मकनातीस। जब भी देखता हूँ काम में जुटी रहती, अपना कोई ख्याल ही नहीं। इशरत के बाद पहले अब शख्स हैं जो इतनी मोहब्बत कर। रो मत, नहीं आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं भूल ही गया, क्या नाम क्या है तुम्हारा? गजाला। तुम्हारी सूरत की तरह तुम्हारा नाम भी कितना प्यारा है, गजाला। दोबारा कहिए ना, आपके मुंह से कितना अच्छा लगता। गजाला, गजाला, हो गजाला, गजाला। जी ये लो। बकावला साहब, इतनी बड़ी रकम मैं ले नहीं सकती। तो ये कुछ कपड़े ले लेना, मैं तुम्हें इन मायों वाले कपड़ों में देखना नहीं चाहता। बकावला साहब, इतनी बड़ी रकम मैं ले नहीं सकती, मगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। तुम मेरे साथ तारीख रोड चलना, मैं कुछ कपड़े ले दूंगा तो। जी अच्छा। अगर ऐसा हो जाए तो उस छन छन के बाहर निकले तो दुपट्टे में। भाभी, बकावला, या अल्लाह, मैं जा रही हूँ। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? कैसी वाहियात हरकतें कर रहे थे वहां, हैं? रोमांस और फहाशी में बड़ा फर्क होता है। चुप कर बुड्ढे, चुप 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 रह बुड्ढे, चुप चुप रहो, तुम चुप रहो, चुप रहो। बिल्कुल रूई बानो की तरह नफ्सियाती अदाकारी कर रही है। अरे हमारे भाई की इज्जत का जनाजा निकाल दिया तूने इस घर को, अरे इस घर को। बस किसी का जनाजा वनाजा नहीं निकलेगा इस घर से, मैं निकाह करूंगा। और निकाह करने में बड़ी फजीलत होती है। तुम में कौन से ऐसे गुण थे जो मैं तुमसे शादी करता? अरे सारे गुण तो गजाला में है। ए बकाउल्ला, ए बकाउल्ला, इस भैंस से शादी करोगे हैं? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे भरी भरी औरतें पसंद हैं, और तुम में सबसे ज्यादा भरी भरी ये। बस अब मेरी तलाश खत्म। वाह, चलो छोड़ो इफ्तिखार, भाभी को गले लगा लो। भाई पसंद पसंद की बात होती है, अब अगर इन्हें भाभी पसंद आ गई तो हम क्या कर सकते हैं? चलो तुम गले लगाओ ना लगाओ, मैं भाभी को गले लगा लेती हूँ। आओ भाभी इधर आओ। जल्दी आओ। नहीं, ठंड पड़ गई कलेजे में। ए गुड़िया यार, थोड़ा सा पेट्रोल डलवा दे, पैसे नहीं है बाद में दे दूंगा। अरे दे दूंगा ना मेरी जान, डाल दे भाई पेट्रोल डाल दे। और सुन, पुल कर दे। ए क्या हो गया, इतने सदमे की कौन सी बात है, छोटी सी तो टंकी है, भर जाएगी तुम्हारा क्या चला जाएगा, भर दे, बस 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 गिर जाएगा, क्या कर रहा है। पैसे दो भाई, आ जा बैठ जा।
आओ जल्दी से। क्या हुआ? अरे डरो मत, भाई बॉडी बिल्डिंग के क्लब गए और अम्मा भावे बनवाने के लिए गई हैं, कोई भी नहीं है घर में। अच्छा सुनो ना, वो वैलेंटाइन आ रहा है, बस करीब में ही है ना, और मैंने अपनी सारी सहेलियों से कह दिया है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे गोल्ड की रिंग दे रहा है, मोटी वाली। अच्छा मोटी वाली ना सही, लगे तो सही ना कि मैंने गोल्ड पहना हुआ है। बुबली वो असल में, देखो अगर तुम्हें नहीं देनी तो ना दो, लेकिन मुझे पहले बता दो वरना मेरी सारी सहेलियों के सामने मेरी किरकिरी हो जाएगी। सुनो तुम चाहते हो कि तुम्हारी बबली पे लोग हंसें, उसका मजाक उड़ाएं? नहीं ना, तो फिर तुम दे रहे हो ना। भाई तुम कितने अच्छे हो। आओ ना अंदर तो आओ। क्या बात है, बड़ा मक्खन लगा रहे हो। वो अम्मा कुछ पैसे मिल सकते हैं? जो 20 रुपये मेरे दराज में पड़े जाके ले लो। अम्मा वो मेरा दोस्त है ना फहीम, वो जिसकी माँ भेंगी है। नहीं नहीं वो तो मुर्सलीन है, फहीम तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। चारे बड़े ही ज़रूरतमंद लोग हैं। जाओ उनको बोलो अब्दुल्ला शाह गाजी जाके भीख मांग लें। अम्मा वो असल में उसकी बहन की शादी है, तो मैं सोच रहा था उसे सोने की अंगूठी बनवा के दे दूँ एक। तू क्या उसकी बहन का मियाँ है जो अंगूठी बना के देगा? चलो जाए वरना सर फोड़ दूंगी तेरा। कैसी हराफा दोस्त की बहनें हैं जो तुझे बरगरा रही हैं जेवर बनाने के लिए। अल्लाह कैसा जमाना आ गया, 2 नंबर का जमाना आ गया बस। अम्मा वो दे दो ना, फहीम और उसकी बहन यतीम है, दुआएं देंगे। चल दफा हो जाए यहाँ से, पता नहीं कैसे कैसे चालू दोस्त बना रखे। पढ़ाई में तो तुम्हारा दिल लगता नहीं है और कमाने जोगा तू है नहीं, पर दोस्तों की बहनों से यारियां लगा रखी। चल दफा हो जाए यहां से, दफा हो जाए यहां से। सही है, अब मैं अपना नुस्खा आजमाऊंगा। मोटरसाइकिल खाली है, छोड़ दूं? बड़ा 2 नंबर बुड्ढा, खुशहाल बुड्ढा, खुशहाल बुड्ढा, 2 नंबर बुड्ढा। क्या बुड्ढा तंग कर गया था? इफ्तिखार ये तू शकील को फोने करती है ना? नहीं अल्लाह की कसम नहीं। झूठ मत बोल, तूने 26 फोने की नहीं है। वो तो खुद ही कहता है कि अगर फोन पे बात नहीं करोगी तो जान दे दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। तू बड़ी मलका है उसने जो वो तेरे पीछे खुदकुशी कर लेगा है? ये तो उससे पूछ। फराना छोड़ जंगली भैंसी, हाथ छोड़ मेरा। इफ्तिखार वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये तो वो भी मुझसे कहता है। तू जानती है मेरे कितने पैसे खर्च हो चुके हैं उस पर? तो पैसा तो मेरा भी खर्च हो रहा है। तू बकाउल्ला जैसे अच्छे आदमी को छोड़कर क्यों उसके पीछे लगी हुई है? मैं जानती हूँ ये सब तू सिर्फ मेरी काट में कर रही है। तू सच कहती थी, बड़ा पप्पू चिकना है, तेरी बातों ही ने तो मेरा दिल उसकी जानिब मोड़ दिया। जब तू उसका जिक्र करती थी ना, मेरा दिल चाहता था कि मैं उसको देखूं कि सचमुच वो ऐसा ही है। और जब मैंने उसे देखा
तो बकाउल्ला की बूढ़ी हड्डियां चुभने लगी मुझे। सही बात है भाई, मोहब्बत तो किसी जवान और खूबसूरत मर्द से ही हो सकती है। ये बूढ़े खुसट, उन्हें तो बस अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ्तिखार, उसका पीछा छोड़ दे। अब तो बिल्कुल नहीं, बकाउल्ला से शादी हो गई ना तब भी नहीं। गाड़ी है मेरे पास, चलोगी? मार डालो, शर्मा क्यों रही हो? मुझे सेहतमंद औरतें अच्छी लगती हैं, तुम तो बुरके में भी भरी भरी लग रही हो। बड़ी प्रोफेशनल हो, बताओ ना, मुंह मांगे पैसे दूंगा। ये लो जो एडवांस पकड़ लो ना। ऐसी करते हो? कौन है कुदरों में? अपनी उम्र तो देख चाचा। चाचा होगा तेरा बाप। एक तो ऐसी करते हो, ऊपर से जबान चलाते हो। समझा? मोबाइल को फोन करो। कहाँ जा रही हो? बड़ी नेक परवीन पनी घूम रही हो। अपनी उम्र तो देख, पैर कब्र में लटक रहे हैं और अय्याशी करने निकले। औरत को पैसे देता है? ऐसा करते हैं, कुछ पैसे ले लो। क्या समझा हुआ है पुलिस वालों को? अरे मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ यार, लेकिन मेरी बात सुनो ना यार, कुछ अरे भैया क्या हो गया, क्यों शोर कर रहे हैं ये लोग? अरे आंटी, एक बुड्ढे ने एक औरत का हाथ पकड़ लिया, उसको पैसे पकड़वा रहा था। क्यों? पता नहीं, कोई धंधे वंदे का सिस्टम था मेरे ख्याल से। अल्लाह, कैसा जमाना आ गया वैसे। तो सुनो, तो बात तय कर लेते हैं, मैं समझता हूँ। देखो सफदर, पकड़ो 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 इस मौनी को। कौन थी वो पागल औरत?
ऑर्डर करो, कब से बोल रही हूँ। वेटर, तुम्हारी निशानी समझकर तुम्हारे हाथ में पहनूंगी। क्या बात है अनवर साहब, ये मुंह भूल के कुप्पा क्यों हो गया आपका? निकाल मेरे पैसे, निकाल मेरे 5,000 रुपए और वो बाकी के सारे पैसे जो मैंने तेरे खाने चाटने पे खर्च किए हैं। अरे तवायफे तो बिला वजह की बदनाम है, तू तो उनसे ही बेगैरत निकला। अबे क्या हो गया, कोई दौरा वौरा पड़ गया क्या? हसमत हसमत मेरे सामने बेगैरतों की तरह। अरे पता नहीं कैसे घटिया खानदान से तेरा ताल्लुक है, तेरा बाप भी यकीनन बड़ा ही बेगैरत होगा, घर में चूड़ियां पहन के बैठता होगा, तेरे घर का खर्चा सारा तेरी माँ चलाती होगी। साले बकवास ना कर, बकवास कर रही है, अब बेगैरत होगी तो खुद खानदान होगा तेरा नहीं समझी। तेरी बहन फोन पे ऐसी ऐसी घटिया बातें करती है, कोई शर्म आया है तुम लोगों के नहीं है? अबे ये कोई नाम है साले? इफ्तिखार, अनवर, पता नहीं क्या क्या। शादी करूंगा इनसे, मुंह देखा तूने अपना? बढ़िया ही। और सुन, उस आरिफ इफ्तिखार को भी समझा दे, खाम खा पीछे पड़ी है, मर्द खरीदने चली है साली। औरत को अगर पैसे से खरीदा जाता ना बकाउल्ला साहब, तो पूरी दुनिया एक कोठा होती। आपकी बीवी बनने से बेहतर है कि मैं इशरत की बेबा बन के जिंदगी गुजार दूं। लीजिए अपने पैसे। तो ये तुम्हारा मुस्तकबिल ठिकाना, पाट डालो, भुरके में क्या भरी भरी लग रही हो, गाड़ी है चलो, ये तकल्लुफ कैसा हो, प्रोफेशनल हो बताओ। हाँ पहुँचो, चलो ना, कितने पैसे लोगे? स्कूल जा रही हो? आयो छोड़ दूंगा, आ जाओ, आयो गाड़ी में बैठ जाओ, हिचकिचा क्यों रही हो? आ जाओ, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ।
और अच्छी हो, अभी जोड़ दूंगा एक मिनट में। दफ्तर छोड़ दूं, बस में बड़ा रश होता। शर्मिंदा होने की क्या बात है, छोड़ दो। मैं रंडवा हूँ। कहने की जरूरत नहीं है, शक्ल पे लिखा हुआ है तुम्हारी।